ओए, तुम्हें पता है ना तुम क्या करने वाले हो? अब क्या है? लगता है तुम भूल चुके हो, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। और आप भी सुने, तो मसला ये है कि खाना तीन चीजों से मिलके बनता है, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, प्रोटीन और फैट। ठीक है जी, आपने खाना खा लिया, अब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और खून में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब ये खून में बढ़ते हुए शुगर्स लबलबे यानी पैंक्रियाज से इंसुलिन को दावत देते हैं। इंसुलिन जरा बाहर आना। इंसुलिन के पास सेल्स खोलने की चाबी होती है, जिसकी वजह से ये सारी शुगर्स सेल्स के अंदर चली जाती है। फिर सेल्स के अंदर जाके ये शुगर्स एनर्जी बनाती है। जब बहुत सारी शुगर सेल में घुस जाती है तो खून के अंदर शुगर की तादाद खुद ब खुद कम हो जाती है। जब शुगर की तादाद खुद ब खुद कम हो जाती है तो इंसुलिन वापस पैंक्रियाज में चला जाता है। भैया, ये तो थी सिर्फ शुगर्स की कहानी, और वो भी आधी। पर कभी सोचा है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर जरा सी भी खराबी आ जाए तो पैदा होती है डायबिटीज, ज़ियाबीतस, शुगर, नाम तो सुना होगा। इसने तो कभी सोचा ही नहीं है। अब खून में शुगर तो बढ़ गई, लेकिन पैंक्रियाज से इंसुलिन या तो निकली ही नहीं, या अगर निकली तो बहुत कम। अब क्या होगा? प्लीज हमें अंदर आने दो। खून में मुसलसल बढ़ती हुई शुगर की तादाद खून की नालियों और रेड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन से जुड़ना शुरू हो जाती है, जिसको हीमोग्लोबिन A1C के जरिए नापा जाता है। फिर खून की नालियों में ये जुड़ती हुई शुगर ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई में रुकावट पैदा करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आंख और किडनीज को नुकसान के साथ साथ स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। डायबिटीज की कोई खास अलामत होती नहीं है, तो डॉक्टर साहब अब बताएं इसको पकड़ते कैसे हैं? बताइए। वैसे तो डायबिटीज़ की कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं है, इसलिए 30 साल और उसके ज़ायद उम्र के लोगों के अंदर इसको स्क्रीन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। हमने इसकी एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, उसे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में जाएं। तो अब ये भी बता दो कि इस पर काबू कैसे करें। इसका अगर छोटा सा जवाब दूं तो सिर्फ मियाना रवि, अपनी डाइट के अंदर मॉडरेशन अख्तियार करें और एक्सरसाइज को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर डाइट और एक्सरसाइज से भी शुगर कंट्रोल ना हो पाए तो मेडिसिन और इंसुलिन की मदद से भी शुगर कंट्रोल की जा सकती है। शुगर के अच्छे कंट्रोल से कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। और अगर इन ठीक है, इन सब बातों के बाद आपके जहन में फिर भी सवाल आते हैं तो अच्छी बात है। मेरा नाम है जमीर और ये है डॉक्टर साहब।